बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। आज मैं क्रिएट करने जा रही हूँ एक यूनिक स्टाइल बिरयानी। सो डिस्क्रिप्शन में आपको दे देती हूँ। घर में बनी थी वाइट चिकन कढ़ाई, जो एक टाइम खाने के बाद दूसरे टाइम खाने का दिल नहीं कर रहा था। सो मैंने सोचा कि वाइट चिकन कढ़ाई से आज हम क्रिएट करते हैं बिरयानी, कि किस तरह घर में मौजूदा सालन से, चाहे वो गोश्त का हो या चिकन का हो या मटन का हो, कैसे हम बिरयानी बना सकते हैं। तो बढ़ते हैं इंग्रेडिएंट्स की तरफ। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए सो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। देखते हैं इंग्रेडिएंट्स। यहाँ हमने लिया है 3 पाव सेला चावल, जिन्हें मैंने बॉईल कर लिया है, 3 दरमियानी प्याज, 3 दरमियाने आलू बॉईल हुए हुए हैं, चिकन कढ़ाई 1/2 kg, ये पूरी वाइट चिकन कढ़ाई बनी हुई है, रेडी हुई हुई है, सो हम सेम एज इट इज़ यूज़ करेंगे, 3 दरमियाने टमाटर, 1.5 चाय का चम्मच पिसी हुई लाल मिर्च, 2 चाय के चमचे धनिया पाउडर, 1 चाय का चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च, 1/2 चाय का चम्मच नमक, क्योंकि हमारी चिकन कढ़ाई में ऑलरेडी नमक है, 1 टेबल स्पून चाट मसाला, 1/2 टेबल स्पून गरम मसाला पाउडर, 1 टेबल स्पून अदरक लहसुन पेस्ट, 1/4 कप ऑयल। गार्निशिंग के लिए, मतलब जब हम दम देंगे अपनी बिरयानी को, तो उसमें ये यूज़ करेंगे, जर्दे का रंग, 4 से 5 हरी मिर्चें, 1 दरमियाना टमाटर जिसे मैंने स्लाइस में कट कर दिया है, हरा धनिया और पुदीना। अब हम अपनी रेसिपी स्टार्ट पहले हम शामिल करेंगे ऑयल, इसमें डालेंगे प्याज और इसको करेंगे गोल्डन ब्राउन। इसमें से हम 1/2 प्याज सेपरेट कर लेंगे जब गोल्डन ब्राउन हो जाएगी, और 1/2 हम मसाले में ही रहने देंगे। अब हमारी 1/2 डन हो जाए प्याज, तो इसमें हम शामिल करेंगे साबुत गरम मसाला, जिसमें हमारे पास है तेज़पात, बड़ी इलायची, छोटी इलायची, ज़ीरा, काली मिर्चें, दालचीनी, लौंगे, बादियान के फूल, 1 चम्मच आपने साबुत गरम मसाला लेना है, मिक्स ले सकते हैं, और प्याज को गोल्डन ब्राउन करेंगे। यहाँ पर प्याज गोल्डन ब्राउन हो गई है, जिसमें से मैं 1/2 सेपरेट कर लूँगी गार्निशिंग के लिए। शामिल करेंगे इसमें हम अदरक लहसुन का पेस्ट, और इसी में शामिल कर देंगे हम टमाटर। और साथ ही हम शामिल कर देंगे अपने मसाले। और मसाले को हम अच्छे से भूनेंगे, इसी में हमारे टमाटर घुल जाए, यानी भून जाए अच्छे से, और थोड़ा सा पानी। यहाँ हमारा मसाला अच्छे से भुन गया है, अब इसमें शामिल करेंगे हम अपनी चिकन वाइट कढ़ाई। चिकन वाइट कढ़ाई को मसाले में अच्छे से भूनेंगे। अब हम इसमें शामिल करेंगे बॉइल्ड पोटैटोस। याद रखिएगा, हमारी चिकन भी डन है और पोटैटोस भी, तो हम ज़्यादा देर पकाएंगे नहीं, बस अच्छे से इनको मिक्स कर 5 मिनट्स के लिए स्टीम दे देंगे।
इसमें हम अब शामिल करेंगे चाट मसाला और गरम मसाला पाउडर। हमारा बिरयानी का कोरमा रेडी है। अब हम इसमें डालेंगे चावल और लगाएंगे तेल। अब हम शामिल करेंगे इसमें चावल, थोड़े से हम चावल रोकेंगे। और साथ ही मिक्स कर लेंगे। हमने मसाले में चावलों को मिक्स कर लिया। इस पे हम लेयर लगाएंगे टमाटर की। साथ ही शामिल कर देंगे हरी मिर्चें। और हरा धनिया। जो हमने थोड़े से चावल अपने ऊपर बचाए थे, अब हम इसको अब शामिल करेंगे इसमें जर्दे का रंग। थोड़ी सी फ्राइड प्याज। अब इसको कर देंगे अब हम कवर। फाइव मिनट्स के लिए। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर हमारी बिरयानी रेडी है। कितनी अच्छी इसके अंदर से स्टीम आ रही है। अब हम इसको करेंगे डिश आउट। हमारी मज़ेदार सी बिरयानी रेडी। सो इफ़ यू लाइक दिस रेसिपी सो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। सो नाउ यू नेवर फॉरगेट माई वीडियो। सो प्लीज़ लाइक
and subscribe my channel and press the bell icon. Allah Hafiz everyone.